अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमारे पास है यूनिट नंबर टू जिसका नाम है सिस्टम ऑफ रियल नंबर्स एक्सपोनेंट्स एंड रेडिकल, जिसके अंदर आज हमारे पास एक्सरसाइज है 2.7। इसके अंदर हमें पहले कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसा कि अगर कोई वैल्यू हमारे पास है अंडर रूट रेडिकेंड एक्स पावर एम, और अंडर रूट के बाहर हमारे पास जो रेडिकल है वो हमारे पास क्या है एन है, तो इस वैल्यू को हम ऐसे भी ले सकते हैं एक्स पावर एम मल्टीप्लाई बाय 1/n, तो ये बराबर हमारे पास हो जाएगा एक्स एम बाय एन, तो इस वैल्यू को हम इस तरह भी लिख सकते हैं। और सेकंड चीज़ हमारे पास ये हो जाएगी कि अगर हमारे पास किसी भी वैल्यू के ऊपर पावर अगर हमारे पास 0 है तो वो बराबर हो जाएगी 1 के, भले हमारे पास 200 क्यों ना हो उसके ऊपर अगर पावर 0 है तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी 1, भले 1000 हो 1000 के ऊपर अगर वैल्यू हमारे पास 0 है तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 1, सही है। और अगर हमारे पास कोई वैल्यू है जैसे एक्स बाई वाई होल पावर एन बाई एन, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी दोनों के ऊपर आ जाएगी क्योंकि ये पावर होल है, तो एक्स एम इंटू एन एम बाई एन डिवाइडेड बाई वाई एम बाई एन। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी, इसे हम रैशनल एक्सपोनेंट्स कहते हैं। अब हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ जो कहती है कि क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई, जिसके अंदर पहला हमारे पास क्वेश्चन ये है कि एक होल पावर 1/3 इंटू 36 होल पावर 1/2। अब देखें कि हमने इन वैल्यू को क्या करना है, रिड्यूस करना है ताकि इनकी पावर क्या हो जाए कैंसिल आउट हो जाए। तो सबसे पहले अगर हम देखें कि अगर हम 2 मल्टीप्लाई बाई 2 करते हैं तो ये बराबर हमारे पास 1 की आ जाती है, तो अगर हम इस वैल्यू की जगह हम ऐसे लिखते हैं 2/3 मल्टीप्लाई बाय 1/3 इंटू, अगर 36 है, अगर हम 6 को मल्टीप्लाई बाय 6 करते हैं तो ये बराबर हमारे पास 36 हो जाता है, जी हो जाता है। तो अगर हम 6 को होल पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 कर दें तो ये भी हमारे पास क्या हो जाए होगा, सही होगा। तो 2 कैंसिल हो जाएंगे, ये 3 और 3 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, बाकी हमारे पास क्या बच जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 6, तो ये बराबर हमारे पास हो जाएगा 12 के, तो ये हमारे पास क्या आ गया आंसर। हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास 64 होल पावर माइनस 1/6। देखिए ये हमारे पास पावर क्या है माइनस में, तो इसको हम पहले क्या करेंगे, सबसे पहले प्लस में लेके जाएंगे, प्लस में हम लेकर जाने के लिए क्या करेंगे, इसे हम अपॉन में ले जाएंगे कि 1/64 होल पावर 1/6। अब देखिए इसका माइनस क्या हो गया, ख़त्म हो गया। अब देखिए अगर अब होल पावर को हम ये वैल्यू दोनों के ऊपर दे दें, 1/1/6 डिवाइडेड बाय 64 होल पावर 1/6। अब देखिए अगर हम 2 को मल्टीप्लाई बाय टू इंटू टू, तो ये हमारे पास बराबर हो जाएगा 64 के, मतलब कि अगर हम 2 को 6 टाइम लिखें तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 64 के बराबर हो जाएगा। अगर किस 1 के ऊपर जितनी भी पावर हो तो उसका आंसर क्या आ जाता है हमारे पास, उसका आंसर हमारे पास 1 ही आता है, तो इसकी पावर हमारे पास क्या हो गई, ख़त्म हो गई। तो अगर हम लिख दें 2 होल पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 1/6, तो ये 6 कैंसिल हो गए हमारे पास, तो हमारा आंसर क्या आ गया 1/2, तो ये हमारे पास क्या आ गया आंसर आ गया। अब हम अपने चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ, ये बिल्कुल ही इजी क्वेश्चंस हैं हमारे पास। थर्ड क्वेश्चन अगर हम ले रहे हैं ये वाला कि a बाय a पावर p बाय q होल पावर माइनस q माइनस p, सही है, इंटू इंटू a बाय a q r होल पावर माइनस r माइनस q इंटू a बाय a
आर होल पावर पी होल पावर माइनस पी बाय माइनस का आर। अब क्या करें, हम इसे क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। देखें कि हमारे पास क्या है, बेस सारी की सारी हमारे पास क्या है, सेम है। सबसे पहले हम एक एक करके इनकी ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं कि जैसे कि ये हमारे पास सौ आ गए, इन दोनों की बेस सेम है तो ये हमारी पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, तो पी माइनस क्यू हो जाएगा हमारे पास, सही है। होल पावर क्या हो जाएगी हमारे पास, माइनस क्यू माइनस का पी। इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट स्टेप है, इसकी भी सेम हो जाएगी, क्यू माइनस आर होल पावर माइनस आर माइनस क्यू। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है, इसकी भी सेम हो जाएगी, आर माइनस पी होल पावर माइनस पी माइनस आर। अब देखें कि इन सब की बेस सेम है और ये आपस में मल्टीप्लाई हो गई है, तो इन सब की पावर क्या हो जाएगी, आपस में ऐड हो जाएगी। तो हम सिंपल ऐसे कर देते हैं कि एक कॉमन ले लेते हैं बेस को और लिख लेते हैं पी माइनस क्यू माइनस पी प्लस क्यू माइनस आर माइनस क्यू प्लस आर माइनस पी माइनस का आर। अब देखें हम इन्हें कैंसिल आउट कर देते हैं, ये माइनस का पी, ये माइनस पी कैंसिल, ये प्लस का क्यू, ये प्लस का क्यू कैंसिल, ये प्लस का आर, ये माइनस का आर कैंसिल। बाकी हमारे पास क्या बच गया, ए माइनस का टू पी टू क्यू माइनस का टू पी माइनस का टू आर। ये हमारे पास क्या बन गई, वैल्यू बन गई। तो ये हमारे पास क्या हो गया, आंसर हो गया। इसी कारण से हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसका अगला क्वेश्चन हम करते हैं, लास्ट क्वेश्चन कर देते हैं हम इसका एक्सरसाइज का। तो ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी, बाकी सारे क्वेश्चन सेम टू सेम है, वो आपको खुद करने हैं। टू होल पावर वन बाई थ्री इंटू ट्वेल्व, वन बाय टू मल्टीप्लाई बाय ट्वेंटी सेवन, वन बाय थ्री इंटू फाइव, वन बाय टू डिवाइडेड बाय टेन, वन बाय टू मल्टीप्लाई बाय फोर माइनस का वन बाय थ्री इंटू एटीन, वन बाय टू मल्टीप्लाई बाय एटी वन, वन बाय फोर। वन बाय फोर। अब हम चलते हैं इस क्वेश्चन को हल करने की तरफ। अब देखें कि जिनकी पावर आपस में कैंसिल आउट कर देती है, वो हम उसे कैंसिल आउट कर देते हैं, बाकी के हम क्या निकाल देते हैं, फैक्टर फैक्टर निकाल देते हैं। टू वन बाय थ्री, इसके फैक्टर नहीं निकलेंगे, ये सेम टू सेम, इसके फैक्टर निकल जाएंगे। इसके फैक्टर निकाल देते हैं ट्वेल्व के, टू सिक्स का ट्वेल्व, टू थ्री का सिक्स, टू का कभी नहीं लगेगा, अब हम थ्री का लगाते हैं, थ्री वन का थ्री। एक पेयर है हमारे पास, तो इसके फैक्टर क्या निकल गए हमारे पास, टू इंटू टू इंटू थ्री होल पावर वन बाय टू। अब इसके हम फैक्टर निकालें तो निकल जाएंगे हमारे पास थ्री पावर थ्री इंटू वन बाय थ्री हो जाएगा। इसी तरह से फाइव है, फाइव पावर वन बाय टू हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो टू की पावर हमारे पास निकल जाएगा। इसके फैक्टर अब टेन के फैक्टर निकालते हैं, तो टेन के फैक्टर क्या निकल जाएंगे हमारे पास, टू फाइव का टेन, फाइव वन का फाइव, तो इसके फैक्टर निकल गए टू मल्टीप्लाई बाय फाइव होल पावर वन बाय टू इंटू टू। फोर के फैक्टर क्या निकलेंगे, टू इंटू टू होल पावर माइनस का वन बाय थ्री, सही है। इंटू एटीन के फैक्टर क्या निकलेंगे, निकाल लेते हैं हम एटीन के फैक्टर, टू नाइन का एटीन, थ्री थ्री का नाइन, थ्री थ्री का थ्री वन का थ्री, तो इसके निकल गए टू इंटू थ्री इंटू थ्री होल पावर वन होल पावर वन बाय टू।
होल पावर 1/2। अब इसके आगे हमारे पास एक और वैल्यू है 81, तो 81 की अगर हम 4 निकालें, मतलब कि अगर हम 3 की पावर 4 लिख दें, तो ये हमारे पास 81 के बराबर हो जाएगी। अब देखें इनकी पावर्स को कैंसिल आउट कर दें, ये कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया। अब देखें बाकी और भी कोई वैल्यू हमारे पास कैंसिल आउट नहीं होगी। तो अब हम चलते हैं अगले स्टेप की तरफ, जल्दी जल्दी लिख लें आप इसे। आप लोगों ने लिख लिया होगा, अब चलते हैं हम आगे। अब देखें अब ये होल पावर को इनकी वैल्यूज को हम क्या कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं, मतलब कि ये होल पावर सबके ऊपर दे देते हैं। तो 2 पावर 1/3 इंटू 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 इंटू 3 1/2 इंटू 3। सिंपल फिर जाएगा क्योंकि इसके ऊपर खाली क्या बचेगी, पावर 1 बचेगी, इंटू 5 1/2 डिवाइडेड बाय 2 पावर 1/2 इंटू 5 1/2 इंटू 2 पावर 2 इंटू -1/3 इंटू 2 इंटू 3/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 इधर भी 1/2। यहाँ पे खाली हमारे पास क्या बचेगा, इंटू 3 बच जाएगा। अब देखें ये टू कैंसिल हमारे पास, उसके बाद ये टू कैंसिल हमारे पास, बाकी वैल्यूज को अब हम क्या कर देते हैं, सिंप्लीफाई कर देते हैं। अब आगे हम इन्हें सिंप्लीफाई करते हैं, मतलब कि जो जो टू टू वाली वैल्यूज हैं उसे हम क्या करते हैं, एक साथ लिख देते हैं और उन्हें फिर हम क्या कर देंगे, एडिशन कर देंगे। जितनी भी टू वाली वैल्यू हैं, ये टू हमारे पास है 1/3 इंटू एक ये टू है, अभी इसलिए हमारे पास नहीं है। अब डिवाइड में हमारे पास क्या है, 2 की वैल्यूज है। अब इसे हम क्या करें, 2 को अगर हम ऊपर लेके जाएंगे तो इनकी पावर हमारे पास माइनस में हो जाएगी, तो -1/2 हो जाएगा। अब सेकंड टू हमारे पास ये है, तो इसकी पावर हमारे पास क्या हो जाएगी, 2। ये देखें अब हमारे पास माइनस का है ना, तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, सही है। इसी तरह से हमारे पास अगली वैल्यू है 2 की 1/2 माइनस का। अब देखें ये सब की सब क्या हो गई, 2 वाली वैल्यू हो गई। अब हम क्या करते हैं, 3 वाली वैल्यू उसको आपस में कंबाइन कर लेते हैं, 3 1/2 इंटू 3। अब देखें ये 3 खाली बच्चा था, तो ये ऊपर लेके जाएंगे तो इसकी पावर माइनस में हो जाएगी, एक ये 3 बच्चा था तो इसकी पावर हमारे पास क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी इसकी भी। तो अब आगे हम करते हैं 5 की वैल्यू, 5 हमारे पास क्या है, एक ये 5 है एक ये 5 है, तो इसको भी हम क्या कर देते हैं, एक साथ लिख देते हैं, 1/2 माइनस का ये पहले प्लस का, फिर इंटू 5 ये माइनस का 1/2। अब इसे हम क्या करते हैं सॉल्व, देखें इन सब की बेस क्या है, सेम है, तो इनकी पावर हम क्या करेंगे, एडिशन कर देंगे, 2 1/3 + 1 + की जगह यहाँ पे माइनस आ जाएगा क्योंकि वैल्यू के साथ माइनस है, 1/2 + 2/3 माइनस का 1/2। अब इसी तरह से हम 3 के साथ भी करेंगे मल्टीप्लाई, 3 1/2 माइनस का 1। अब इसी तरह 5 के साथ 5 1/2। अब देखें इसकी एक वैल्यू प्लस की है एक वैल्यू माइनस की है, तो ये क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी। तो जब कैंसिल आउट हो गई तो इसके ऊपर 0 आ जाएगा, इसके ऊपर भी 0 आ जाएगा, तो खाली वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, ये 5 खत्म हो जाएगा, खाली 1 हमारे पास वैल्यू बच जाएगी, सही है, 1 वैल्यू बच जाएगी। अब देखें ये प्लस का 1 और ये -1 कैंसिल हो गए। इसी तरह से अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं, इनकी एलसीएम ले लेते हैं। पहले हम ले लेते हैं सबकी एक साथ एलसीएम ले लेते हैं, तो इसकी एलसीएम हमारे पास आएगी 6। 3 का टेबल 6 को 2 टाइम लगता है, 2 1 2 हो जाएगा ऊपर, प्लस का प्लस 6 नीचे है, तो 6 का टेबल 6 टाइम लगेगा, 6 इधर आ जाएगा, माइनस का माइनस आ जाएगा, 2 का टेबल 3 को लगता है, 2 का 6 का टेबल लगता है 3 टाइम, तो 3 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 3 आ जाएगा, प्लस का प्लस आ जाएगा, 2 टाइम लगता है तो ये 4 हो जाएगा,
माइनस हो जाएगा, तो ये 3 टाइम है तो ये हमारे पास 3 आ जाएगा। इसी कारण से अब हम इसको करते हैं इंटू 3। अब इसकी भी हम एलसीएम निकाल देते हैं 1/2 माइनस का 1, तो इसकी हमारे पास एलसीएम आ जाएगी 5/2। तो ये 2/1 आ जाएगा माइनस का 2 आ जाएगा इंटू 1 में, तो इसको हम भगे हम इरेज कर देते हैं, तो इसका कोई फायदा नहीं है हमारे पास। तो अब हम आगे नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं, इसे हम माइनस कर देते हैं। 2 और 6 8 हो गए, 1 और अब देख लेते हैं हमारे पास वैल्यू क्या बचेगी। पहले हम एडिशन कर देते हैं, 2 6 8, 1 और 4 12, 12 माइनस 6, तो हमारे पास क्या बचेगा 6, 2 पावर 6/6 सही है। 12 में से जब हमने 6 माइनस कर दिया तो क्या हो जाएगा 6/6 बच जाएगा, तो ये 6 6 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, बाकी क्या बच जाएगा 1 इंटू 3 हो जाएगा, 3 के साथ क्या हो जाएगा, अब हमारे पास 1 वैल्यू बच जाएगी। इसकी कितनी बच जाएगी माइनस का 1/2। अब 2 की पावर हमारे पास क्या है 1 है इंटू 3 है 1/2 है माइनस का। अब अगर हम इसके डिवाइड में ले जाएं तो इसकी माइनस वाली वैल्यू प्लस में हो जाएगी 2/1, ये तो सेम है। इसी तरह से अगर हम इसे डिवाइड में ले जाएं, मतलब 2/3 करते हैं, अगर 2/1/3 1/2, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा इसका आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2/√3, तो ये हमारे पास आंसर क्वेश्चन सॉल्व हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी एक्सरसाइज समझ आ गई होगी। अगर कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।